parents and lovely students, welcome to the online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5th, subject Hindi grammar, chapter 5th and lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें. जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5th. यस, दिस इज द चैप्टर 5th एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कारक. ओके, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केस. यस, कारक. अब कारक क्या है ये हम इससे पढ़ेंगे. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं. तो क्या समझे आप कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम. तो संज्ञा का मतलब किसी का नाम और सर्वनाम का मतलब किसी नाम के स्थान पर जो शब्द आता है वह. अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया से या फिर किसी अन्य शब्द से जो संबंध बताते हैं ना, जो रिलेशन होता है, वही कहलाता है कारक. क्या कहता है? कारक कहते हैं उसे. अब देखिए, अब जो कारक के जिस चिन्हों से उसको प्रकट करते हैं ना, यानी कि कारक के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम कहते हैं विभक्ति. इनफैक्ट ओके, क्या कहते हैं? विभक्ति. क्लियर? अभी हम नीचे पढ़ेंगे. अब हिंदी भाषा में यानी हिंदी लैंग्वेज में 8 प्रकार के कारक हैं. कितने प्रकार के हैं? 8. अब उनके नाम और चिन्ह हैं. सामने इधर नेम दे रखे हैं और इनके इधर दे रखे हैं चिन्ह, जिनको हम विभक्ति कहते हैं. क्लियर? देखिए, सबसे पहला आता है कर्ता कारक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट. है ना, जो वाक्य में कार्य करता है, कार्य करने वाला कर्ता. ठीक है, इसका चिन्ह है, कारक चिन्ह है ने. ओके, कर्ता ने. फिर है नेक्स्ट आता है सेकंड ऑब्जेक्ट, जिसको कहते हैं कर्म. तो इसका जो चिन्ह है वह है को, कर्म को. फिर थर्ड है करण कारक, ठीक है, जिसका चिन्ह है से या के द्वारा, किसी के द्वारा किसी से. ओके, और संप्रदान है फोर्थ नंबर, इसका जो चिन्ह है वह है के लिए. ओके, फिफ्थ है अपादान, और इसका जो चिन्ह है, सिंबल है, वह है से. देखो, ऊपर भी से आया, से के द्वारा करण में, और इधर अपादान में भी से, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. जो करण में है वो है से किसी के साथ या किसी के द्वारा, और जो अपादान में जो से है वो किसी के अलग होने के अर्थ में. जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा यानी पेड़ से पत्ता अलग हो गया ना, यहाँ पर से इसका यूज हुआ. ओके, फिर है संबंध कारक. संबंध के जो सिंबल है वह है का, के, की या रा, रे, री. ओके, फिर आता है अधिकरण कारक. सेवंथ नंबर का है अधिकरण कारक, जिसके सिंबल या चिन्ह है कारक, कारक चिन्ह है मे, पे, पर. ओके, और लास्ट नंबर है संबोधन, जिसका चिन्ह है ओ, अरे. ये इसके कारक चिन्ह है. अब हम वन बाय वन एक एक को पढ़ेंगे. सबसे पहले लेते हैं कर्ता कारक. क्लियर? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं. नाम से ही पता चल रहा है बेटा, कर्ता का मतलब कार्य करने वाला. अर्थात संज्ञा के या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, मतलब जो सेंटेंस में, जो वाक्य में कार्य कर रहा है उसका बोध हो, वही कहलाता है कर्ता कारक. ओके, यानी सेंटेंस में कार्य करने वाला ही कर्ता कारक होता है, इजी लैंग्वेज में, है ना. और इसका चिन्ह हमने पढ़ा था कर्ता ने. क्लियर? जैसे देखिए, मोहन ने खाना खाया. क्लियर? तो मोहन ने, यानी खाना किसने खाया? मोहन ने.
ओके, तो कार्य कौन कर रहा है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में काम कौन कर रहा है, खाना खाने का काम कौन कर रहा है, मोहन। ओके, तो मोहन कौन हो गया, कर्ता कारक, और इसका चिन्ह क्या हुआ, ने। क्लियर, तो इस वाक्य में खाना क्रिया है और इस क्रिया को मोहन ने किया है, इसलिए मोहन कौन हो गया, कर्ता कारक। क्लियर, एक और बात समझ सकते, जैसे राजू ने पाठ पढ़ा, तो पाठ किसने पढ़ा, राजू ने, यानी पाठ पढ़ने की जो क्रिया है वो कौन कर रहा है, राजू, तो आया राजू कौन हुआ, कर्ता कारक। इज इट क्लियर। अब है सेकंड कर्म कारक। क्लियर, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, है ना, यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कहेंगे कर्म कारक, और इसका चिन्ह क्या है पता है, कर्म को। क्लियर, और यह कभी कभी छिपा भी रहता है, मतलब को शो नहीं होता है कभी कभी, ठीक है, मतलब सेंटेंस में ही छिपा रहता है। जैसे देखो, राम पानी पीता है, अब यहाँ को है इसका सिंबल, लेकिन छिपा रहता है सेंटेंस में, जैसे राम पानी को पीता है, पानी पीता है इट मीन्स पानी को पी रहा है ना, तो को यहाँ पर हिडन है, छुपा हुआ है। इज इट क्लियर, ठीक है, तो यानी किस किस क्या क्या है इसमें, कि संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। क्लियर, यानी पानी कौन पी रहा है, पानी जो क्रिया है ना, जैसे राम, इसने बताया कि राम पानी पीता है, ठीक है, पानी पी रहा है, किसको पी रहा है, पानी को, है ना, इसे क्लियर। तो यहाँ को इसका सिंबल है कर्म कारक का, वो छिपा हुआ है। नेक्स्ट, इस वाक्य में पीने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पानी पर पड़ रहा है, ठीक है, राम क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, पानी को। क्लियर, अतः पानी कर्म कारक हुआ, कौन हुआ, पानी, और क्या हुआ, कर्म कारक। अब आता है थर्ड करण कारक, जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे हम करण कारक कहते हैं। बहुत इजी है, देखो कि किसी भी वस्तु की सहायता से आप जो भी काम कर रहे हैं, है ना, किसी वस्तु की सहायता से, तो वो क्या कहलाता है, उसे हम कहेंगे करण कारक। जैसे, और इसका चिन्ह आपको पड़ता है से, किसी के द्वारा या से, मतलब किसी की सहायता से काम कर रहे हैं आप, है ना, से या के द्वारा। जैसे मोहन कलम से लिख रहा है, तो मोहन किससे लिख रहा है, कलम से, तो कलम कौन हुआ, करण कारक। आ रहा समझ में, जैसे रमेश पेन से लिख रहा है, ठीक है, मोहन चाकू से फल काट रहा है, तो काम किससे हो रहा है, चाकू से, यानी फल किससे काट रहा है, चाकू से, तो चाकू से क्या हो गया, एक करण कारक। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, यानी जिस वस्तु की सहायता से कार्य किया जाता है, है ना, तो वह क्या कहलाता है, करण कारक। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट है संप्रदान कारक, जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है, क्या कहना है, जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है उसे हम संप्रदान कहते हैं, यह संप्रदान कारक, और इसके चिन्ह के लिए हैं, जैसे वहाँ अपने भाई के लिए अमरूद लाया, यानी जिसके लिए जो क्रिया कहा जाता है, क्या कहा है, जिसके लिए किसी क्रिया को किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, संप्रदान। जैसे देखो, वहाँ अपने भाई के लिए अमरूद लाया, तो इसने किसके लिए अमरूद लाया था, वहाँ अपने भाई के लिए, तो किसके लिए काम किया है, यहाँ पर क्रिया हुई भाई के लिए, तो भाई क्या हो गया, एक संप्रदान कारक। समझ में आ रहा है आपको, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है वही कहलाता है संप्रदान कारक, ठीक है। देखो, अतः इस वाक्य में लाने की क्रिया भाई के लिए हुई, किसके लिए हुई है, भाई के लिए, तो भाई क्या हो गया, संप्रदान कारक। इज इट क्लियर। अब है आपका अपादान कारक, जिस वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान। हमने उसमें पढ़ा था करण से या के द्वारा, वहां तो किसी के साथ किसी की वस्तु की सहायता से कार्य हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, किसी वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना है, मतलब दोनों बिछुड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, अपादान कारक। अब हम इसको समझेंगे, जैसे देखो, इसका चिन्ह से है और वहां था से या के द्वारा, दोनों का से होता है। अब देखो, पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ क्या हुआ, पेड़ पे था पहले फल, अब वो पेड़ से फल गिरा, यानी पेड़ और फल बिछुड़ गए, अलग हो गए ना दोनों, तो यहाँ से आया। क्लियर, इस वाक्य में गिरने की क्रिया पेड़ से हुई है, अतः गिरने पर फल पेड़ से क्या हो गया, सेपरेट, यानी अलग हो गया, अतः पेड़ क्या हो गया, अपादान
कारक। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ये भी मैंने एग्जांपल बताया था। ठीक है, तो यानी कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो वहां क्या होता है? अपादान कारक। अब है संबंध कारक। नाम से पता चल रहा संबंध, रिलेशन, पॉजिटिव केस। अब देखो, दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध दिखाने के लिए संबंध कारक प्रयोग होता है। नाम से पता चल रहा संबंध, दो या दो से अधिक संज्ञा हो या सर्वनाम, उन शब्दों में जो संबंध दिखाया जाता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे देखिए, और इसके चिन्ह बताना है आपको, का के की या रा रे री। जैसे देखो, सुधीर मेरा भाई है। अब सुधीर और मेरे में क्या संबंध है? दोनों को संज्ञा और सर्वनाम हो गए, दोनों संज्ञा हो गए। सुधीर और मेरे में क्या संबंध है? दोनों भाई। ठीक है, तो सुधीर मेरा भाई है, यानी सुधीर का मेरे से संबंध है, यानी वो मेरा भाई है। इज इट क्लियर? इस वाक्य में सुधीर का मुझसे क्या संबंध दिखाया है? कि वह मेरा भाई है। अतः मैं क्या हो गया, यानी मेरा क्या हो गया इसमें? संबंध कारक। क्लियर? किसी से रिलेशन जो बताया जाता है वह कहलाता है संबंध कारक। अब आता है अधिकरण कारक। वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है, अर्थात जिस स्थान पर कोई काम होता है, उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। देखो, इसमें क्या कहा है कि वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार पता हो, यानी जिस आधार का मतलब होता है बेस, है ना, उसका पता होता है, अर्थात जिस स्थान पर कोई काम हो रहा है, उसे क्या कहेंगे हम? अधिकरण कारक। और इसका चिन्ह क्या है? मे पेपर। क्लियर? जैसे वहाँ कुर्सी पर बैठा है, तो किस पर बैठा है? कोई स्थान क्या है? कुर्सी है ना, तो कुर्सी अधिकरण, यानी इस स्थान पर काम हो रहा है। बैठने की क्रिया कहाँ पर हो रही है? कुर्सी पर। ठीक है, वह पलंग पर लेटा है। क्लियर? तो कहाँ पर लेटा है? पलंग पर। तो यानी कोई स्थान कौन हो गया? पलंग। तो पलंग क्या हो गया? अधिकरण कारक। और ऊपर अभी बताया था कुर्सी पर बैठा है, तो किस पर बैठा है, कौन से स्थान पर काम हुआ है? कुर्सी। तो कुर्सी क्या हो गया? अधिकरण कारक। ओके, इस वाक्य में बैठना क्रिया का आधार है, कुर्सी है, अतः कुर्सी क्या हो गई? अधिकरण कारक। क्लियर? लास्ट है आपका संबोधन कारक। जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन। संबोधन का मतलब ही होता है संबोधित करना, अर्थात पुकारना, अर्थात जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए, किसी को बुलाया जाए, उसे हम कहेंगे संबोधन कारक। जैसे, अरे सोहन तुम यहाँ कब आए? तो अरे सोहन का आना, तो ये कौन हो गया? कौन हो गया? संबोधन कारक। क्लियर? समझ में आ गया? यस। इस वाक्य में अरे सोहन संबोधन कारक हुआ। ओके, आई थिंक आपको ये 8 कारक अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आपको 2 या 3 टाइम इसको अच्छे से रीड करना है और अच्छे से समझना है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर 5 एंड लेक्चर नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कारक किसे कहते हैं? सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ केस। ओके, आपको यहाँ डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड है, कारक के चिन्ह को क्या कहते हैं? ये आपको बताया था, कारक के चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। और कारक के कितने प्रकार हैं ये आपको बताना है। कारक के 8 प्रकार हैं, उनके नाम लिखना है आपको। क्लियर? इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना है और गुड हैंड राइटिंग में लिखकर अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।